नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है गंगा तंत्र। ठीक है, आज हम ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करने वाले। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को इंडस के बारे में बताया था, बट आज में हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखने वाले। ठीक है, तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम में हम किन किन चीजों की बात करने वाले हैं, हम उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनकी सहायक नदियों के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इनकी सहायक नदियां कहाँ पे जाके मिलती है उनके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज हम पूरी तरह से गंगा तंत्र, ठीक है, गंगा तंत्र को पूरी तरह से समझेंगे कि क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फ्लो करते हैं, इनके ओरिजिन क्या क्या है, वो सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम इसको 3 वीडियो में पढ़ने वाले थे। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम मैंने बताया था 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पहले हिमालय पढ़ेंगे फिर प्रायद्वीप पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि हिमालय में हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, सिंधु घाटी मतलब सिंधु रिवर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा गंगा रिवर, तीसरा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऐसे 3 मैंने डिवाइड किया था, तो मैंने पहला खत्म किया। आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें गंगा तंत्र के बारे में बात करने वाले। तीसरे वीडियो हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये है गंगा रिवर, मैंने यहाँ पे एक मेन रिवर बनाया है, इसको गंगा रिवर बोलते हैं। दूसरा यमुना रिवर है, तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा रिवर तो आप हेडिंग डाल लीजिए पहले, गंगा रिवर, जितना बोलते जाऊंगा उतना आप लिखते जाइए। ठीक है, स्टार्टिंग से लिखते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा रिवर की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा रिवर यह 5 राज्यों से होके जाती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है। पहला उत्तराखंड, पहला लिखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन राज्यों से होके गुजरती है, लिख लिया आप लोगों ने पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिए कि हाँ यहाँ पे लिखिए, थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, गंगा रिवर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है, मतलब गंगा रिवर की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ऐसा आप लिख लीजिए। गंगा रिवर की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई इसकी झारखंड में है, ऐसा फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। तो आइए इनकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। उत्तराखंड में ये 310 किलोमीटर तक फ्लो करती है, टोटल कितना है, 2225 किलोमीटर। उत्तराखंड में इसकी लंबाई कितनी है, 310 किलोमीटर, बल्कि यूपी में कितनी है, 1140 किलोमीटर। इसलिए मैंने आपको बोला कि यूपी में ये सबसे अधिक लंबाई है इसकी। ठीक है, सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे इसकी, यूपी में। बिहार में कितना फ्लो करती है, 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड से बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैंने उनको लिखा ही नहीं, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, बट झारखंड का नाम वहां पे आता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन 5 राज्यों से होके जाती है। ठीक है, गंगा रिवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गंगा रिवर यह 2 नदियों से होके मिलती है, बनती है, 2 नदियों से होके बनती है। गंगा रिवर यह 2 नदियों के मिलाप से बनती है, उन 2 नदियों के नाम क्या है, अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, 2 रिवर के मिलाप से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, जब भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा रिवर हो जाता है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा रिवर हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसको डीप में अच्छे से देख लेते हैं। तो मैंने ये मैप बनाया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के जरिए हम क्या समझते हैं, गंगा रिवर सिस्टम को। ठीक है, देखो यहाँ पे गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, मैंने आपको बताया अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियों देवप्रयाग में मिलती है, उसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, और वो कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, गंगोत्री से कौन निकलती है, भागीरथी, सतोपत, नाम याद रखिए, सतोपत। सतोपत से 2 रिवर निकलती है, सतोपत से कितनी रिवर निकलती है, 2 रिवर निकलती है, पहले का नाम है भौरी और दूसरे का नाम है विष्णु प्रयाग। सतोपत से 2 रिवर निकलती है, एक विष्णु है और दूसरा भौरी। ये दोनों रिवर, ठीक है, ये दोनों रिवर विष्णु विष्णु प्रयाग जगह पे मिलती है। ठीक है, उसका रिवर भी काफी नाम, इसलिए विष्णु प्रयाग रखा गया, भौरी
और ये दोनों रिवर जब यहाँ पे मिलती है तो इस विष्णुप्रयाग में आगे की तरफ आती है, ठीक है। जैसे ही आगे की तरफ फ्लो करती है, विष्णुप्रयाग से आगे आती है, उसका नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? उसी समय उसका नाम अलकनंदा हो जाता है उस रिवर का। फिर ये अलकनंदा फ्लो करते हुए आगे की तरफ आती है, तो यहाँ पे इसको एक सहायक नदियां, ये जो नदियां, देखो सहायक नदियों का मतलब क्या होता है, जो सहायता करते हैं, ट्रिब्यूटरीज, वो रिवर जो एक बड़ी रिवर को फ्लो करने में क्या करे, उनकी मदद करे या सहायता करे, तो उसको क्या बोलते हैं, सहायक नदियां, ठीक है। तो जब ये अलकनंदा आगे की तरफ आती है, ठीक है, तो यहाँ से पिंडार रिवर, यहाँ से कौन सी रिवर मिलती है, पिंडार रिवर, पिंडार रिवर अलकनंदा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिंडार रिवर अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग में, ठीक है, कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार रिवर। फिर वो रिवर आगे की तरफ आती है, तो इसे मंदाकिनी रिवर मिलती है, मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर कहाँ पे मिलती है, इसे रुद्रप्रयाग में। एग्जाम में पूछा है, बताइए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी रिवर मिलती है, तो मंदाकिनी। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया कि बताइए अलकनंदा से कर्णप्रयाग में कौन सी रिवर मिलती है, पिंडार रिवर। या क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि बताइए पिंडार रिवर अलकनंदा से कौन सी जगह पे मिलती है, कर्णप्रयाग। अलकनंदा का नाम अलकनंदा कब पड़ता है, जब विष्णुप्रयाग और भौरी आपस में मिलती है, तब उसका नाम अलकनंदा हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। फिर ये रिवर आगे फ्लो करती है, आगे फ्लो करते करते यहाँ पे देवप्रयाग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे बच्चों को पता होता है कि अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है, तब वहां से उसका नाम गंगा हो जाता है। ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, देवप्रयाग कहाँ पे, उत्तराखंड में। देवप्रयाग से जब भागीरथी और अलकनंदा, अब ये रिवर से अलकनंदा यहाँ पे मिल गई, तो इसका नाम गंगा हो जाता है। यहाँ देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो इसका नाम गंगा हो जाता है देवप्रयाग में, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी, गंगा रिवर की, यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है, फिर ये गंगा यहाँ से फ्लो कर रही है। ये तो मैंने इन दोनों रिवर के बारे में बताया, इसकी सहायक नदियां कोई नहीं है, यहाँ पे भागीरथी सीधे सीधे आती है गंगोत्री से, इनकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहले यहाँ पे आप देखोगे सदोपद से निकलती है दो रिवर, दो रिवर आपस में मिलती है, फिर उसमें पिंडार और मंदाकिनी ये दोनों रिवर मिलती है, तब वो जाके देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है, और उसका नाम वहीं से क्या हो जाता है, गंगा रिवर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, ये सब डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, और उसके जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, गंगा रिवर की, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, यमुना, यह यमुनोत्री से निकलती है और यह गंगा रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना रिवर सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की लंबाई कितनी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पिछले लेक्चर में मैंने यमुना के बारे में आपको बताया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप यहाँ पे जरूर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यमुना रिवर यहाँ से इलाहाबाद, कहाँ पे, इलाहाबाद में इससे मिल जाती है, प्रयागराज में क्या हो जाती है, मिल जाती है, किससे, गंगा रिवर से, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई किसकी, गंगा रिवर की। अब हम गंगा रिवर की दाएं तथा बाएं नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, दाएं तथा बाएं नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा दाया, तुम्हारा राइट हो जाएगा, ये राइट रिवर्स हो जाएंगे और ये लेफ्ट रिवर्स हो जाएंगे, लेफ्ट रिवर्स ये है और राइट रिवर्स ये है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कि गंगा रिवर की राइट और लेफ्ट रिवर कौन कौन सी है। उससे पहले मैं पॉइंट और लिख लेते हैं, गंगा रिवर की सहायक नदियां, गंगा रिवर की सहायक नदियां लिखिए, गंगा रिवर की सहायक नदियां यमुना, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा रिवर की, और महानदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये बात हो गई लेफ्ट साइड से मिलने की, और राइट साइड से कौन कौन सी रिवर मिलती है, चंबल, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए आप यमुना, मैंने यहाँ पे यमुना बोला था, ये तीनों चारों किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना रिवर की, यमुना की सहायक नदियां हैं, ना कि गंगा की, ये गंगा की सहायक नदियां यमुना है। मैंने यहां तक बताया आपको कोसी, टोंस तथा सोंस, ये सहायक नदियां किसकी है, गंगा की। यहाँ पे देखिए ना, ये गंगा से मिले, ना कि यमुना से। तो यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, टोंस, ये सहायक नदियां किसकी है, गंगा की। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इनके ओरिजिन्स कहाँ कहाँ पे, मैं बताऊंगा आपको, लिखवा दूंगा, आप लिख लेना पूरी की पूरी, सबके ओरिजिन्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप चिंता लेने की जरूरत नहीं कि ओरिजिन कहाँ, ओरिजिन कहाँ, तो ओरिजिन में आपको बताऊंगा, लिखवा के दूंगा, ठीक है।
शंकु रिवर यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है, असम से फिर यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ये गंगा रिवर इन पांच राज्यों से बहते हुए पश्चिम बंगाल में दो भाग में बढ़ जाती है, दो भाग में बढ़ जाती है, पहला रिवर गंगा, दूसरा हुगली रिवर, दूसरा हुगली रिवर। यह हुगली रिवर पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता से होकर गुजरती है। पूछा जाता है एग्जाम में, बताइए कि पश्चिम बंगाल कोलकाता से कौन सी रिवर गुजरती है, तो कौन सी रिवर है, हुगली, और दामोदर रिवर से मिल जाती है, ये दामोदर रिवर है। ठीक है, दामोदर रिवर और हुगली रिवर का मिलाप कोलकाता में होता है। ठीक है, इनका यहाँ पे मिलाप हो जाता है, तो पूछा गया तो बता देना कि हुगली रिवर कोलकाता से होके गुजरती है। ठीक है, गंगा को, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गंगा को पश्चिम बंगाल, अब यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, गंगा को भी भागीरथी बोलते हैं, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि गंगा रिवर को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब गंगा पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसका नाम वहां पे पद्मा हो जाता है, क्या हो जाता है, पद्मा। ठीक है, यहाँ पे जब वो बांग्लादेश में एंट्री करती है तो बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा रिवर बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर जब, अगला पॉइंट लिखिए, नहीं लिखना नहीं, इसको समझना है, ये समझना, अगला पॉइंट यहाँ से लिखिए, ब्रह्मपुत्र के तो हम लिख नहीं रहे। ठीक है, गंगा के बारे में लिख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर जब एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में तो उसका नाम तिहांग हो जाता है, और जब वो अरुणाचल प्रदेश से असम में एंट्री करती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और फिर यही रिवर आगे की तरफ फ्लो करती है, जैसे बांग्लादेश में एंट्री करती है उसका नाम हो जाता है जमुना, नाम याद रखना जमुना। ठीक है, जमुना रिवर, जमुना और महानदी, फिर जमुना जब इस तरह से आती है, आगे आगे सुनिए, जमुना रिवर जब इस तरह से आती है तो उसमें बराक, ठीक है, बराक रिवर मिलती है मणिपुर से, जो बराक रिवर निकलती है, कहां से निकलती है, मणिपुर से, इसको लिख लीजिए, बराक रिवर मणिपुर से निकलती है, आगे मैं शायद भूल रहा हूँ तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, बराक मणिपुर से निकलती है, तो जमुना और बराक, जमुना जब गंगा रिवर से मिलती है, गंगा रिवर से जब जमुना रिवर मिलती है उसी समय बराक थोड़े से आगे जाने के बाद मिलती है, और फिर एक फाइनली एक रिवर निकलती है जिसका नाम हो जाता है मेघना। जब बराक रिवर जमुना और गंगा से मिलती है तब उसका नाम हो जाता है मेघना, तो मेघना बनके वो बांग्लादेश में एंट्री मार देती है, फिर वो बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, मेघना कौन सी रिवर, यहाँ पे इसका नाम मेघना, जब बराक रिवर गंगा रिवर से मिलती है उसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, जमुना रिवर किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का, पद्मा रिवर किसका नाम है, गंगा रिवर का, पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है बताना मुझे। ठीक है, भागीरथी, यहाँ पे ये सारी रिवर के नाम हो गए, नाम में कंफ्यूजन नहीं, उनसे मेघना कहाँ पे बुलाया जाता है, बांग्लादेश में, किस रिवर को, गंगा रिवर को, कहाँ बुलाया जाता है, जब बराक रिवर उसमें मिक्स होती है। ठीक है, मेघना, ऐसा कहा जाता है कि है भी ऐसा, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा किसको बोलते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके पिछले वीडियो को देख के आइए। सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का कहाँ बनता है, बांग्लादेश में, बे ऑफ बंगाल में, कौन कौन सी रिवर बनाती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के मिलाप से बनने वाली डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा होती है। ठीक है, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, ये भी पॉइंट में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पाया जाता है, भारत में, कहाँ, किन किन नदियों से मिलकर बनती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के मिलाप से बनती है, ये भी पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पे मैंग्रोव नाम के वने पाए जाते हैं, मैंग्रोव नाम के ट्रीज पाए जाते हैं, मैंग्रोव नाम लिखना है आपको, मैंग्रोव नाम के वृक्ष वन पाए जाते हैं, है यहाँ पे एक मैंग्रोव पाया जाता है, दूसरा आप लिख लीजिए कैसुरिन और सुंदरी, इन तीन नाम के वृक्ष वहां पे पाए जाते हैं, मैग्रो, कैसुरिन और सुंदरी, इन तीन वन वहां पे पाए जाते हैं, कहां पे, बंगाल में। तो
ये बात हो गई किसकी, गंगा रिवर की, ठीक है, कि किस तरह से वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक होता है, उनके नाम किस तरह से बदलाव होते हैं, वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने आपको बता के दिया, ये भी आप ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में एक आधा एग्जाम में पूछ लेता है, लोअर लेवल के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। बताइए कि आपको तो इतना तो पता है कि यूपी सबसे, यूपी में गंगा रिवर सबसे ज्यादा फ्लो करती है, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, तो बताइए कितनी लंबाई है, तो 1140, ठीक है। तो ये बात हो गई गंगा की। अब हम लेफ्ट और राइट रिवर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गंगा की सहायक नदियां, तो गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखा आपने, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी और टोंस नदी। यमुना रिवर की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, ये चार रिवर है किसकी, यमुना की। तो यमुना की सहायक नदी अलग लिखना है, गंगा की अलग, मैंने बता दिया आप लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले हम राइट साइड से पढ़ते हैं, हम पहले राइट साइड से पढ़ेंगे, चलिए लिखिए गंगा की राइट साइड, ठीक है, गंगा की राइट रिवर, ठीक है, या राइट रिवर आप लिख सकते हो, ठीक है। गंगा के दाएं ओर की नदियां, गंगा के दाएं ओर की नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये सब यमुना में मिलती हैं, तो इनको भी यहाँ पे लिखना। ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां यमुना की है, और टोंस एंड सोन कहाँ पे मिलती है, गंगा रिवर से, तो गंगा रिवर की सहायक नदियां होगी, ठीक है। तो आपने लिखा, ये लिख लीजिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, यह गंगा रिवर की कौन सी रिवर नदियां है, राइट रिवर है, राइट रिवर है, ठीक है, दाएं ओर की गंगा की सहायक नदियों के नाम यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ठीक, यमुना आपने लिखा, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, यमुना की चार सहायक नदियां टोंस और सोन गंगा की सहायक नदियां हैं, 1, 2, 3, 4, ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की, ठीक है। तो आप इतना लिख लिए, अब लिखिए इनके ओरिजिन, मैं इनके ओरिजिन लिखवा देता हूँ पहले आपको, ताकि कोई डाउट ही ना हो आपको, और फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ये आपको समझ गया रहेगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। पहला लिखिए बानस रिवर, फिर हम लिखेंगे बेतवा रिवर, फिर हम लिखेंगे केन और फिर सोन रिवर, दामोदर रिवर, राम गंगा रिवर, और फिर यहाँ पे लिखेंगे घाघरा रिवर, ठीक है, और फिर गंडक, ठीक है, घाघरा, गंडक, ठीक है, और यहाँ पे एक बच गया कोसी, है ना, कोसी बच गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अरावली से निकलती है, बानस रिवर, जब मैं आपको अरावली पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि बानस रिवर कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है, ठीक है। बेटवा कहाँ से निकलती है, भोपाल से, किसकी राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की, ठीक है, भोपाल से निकलती है, और फिर ये कहां से निकलती है, बरनाथ रेंज से, ठीक है, और फिर ये केन रिवर हो गया, सोन रिवर कहां से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक किस चोटी पे है, या कुछ आप बताओगे किस पर्वत पे, अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पे, अमरकंटक, ठीक है। सोन रिवर कहां से निकलती है, अमरकंटक से, और दामोदर कहां से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से, और राम गंगा कहां से निकलती है, दरहाल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे राम गंगा कहां पे, यहाँ पे राम गंगा उत्तराखंड से एक ऐसी रिवर है गंगा की सहायक नदियों में से, जो कि प्लेन में से निकलती है, ना कि ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से ना निकल के कहां से निकलती है, प्लेन से निकलती है, ग्लेशियर से मतलब हिमाच्छादित जो चोटियां होती है उनसे निकलती है, बट ये कहां से निकलती है, प्लेन से निकलती है, कहां से, गोवा डिस्ट्रिक्ट, कहां पे, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी आपकी, हाँ ये हो गया दामोदर राम गंगा, और ये आया घाघर गंडक और कोसी, घाघरा कहां से निकलती है, तिब्बत से, ठीक है, ये भी कहां से निकलती है, तिब्बत के नेपाल से, ये मुझे आप बताओ कि कोसी रिवर कहां से निकलती है, एक आप मुझे कमेंट करिए कि कोसी रिवर कहां से निकलती है, ठीक है।
तो ये बात हो गई किसकी, रिवर्स के ओरिजिन की। ठीक है, बनास रिवर अरावली से निकलती है, ये मैंने आपको उसी समय बताया था। ठीक है, बेतवा रिवर कहाँ से निकलती है, बेतवा रिवर, देखो ये बनास रिवर और ये बेतवा रिवर, बनास रिवर यहाँ से आती है। ठीक है, इसकी सिंध की सहायक नदी यहाँ से मिलती है, चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बनास अरावली से निकलती है, बेतवा कहाँ से निकलती है, भोपाल से निकलती है, बेतवा यहाँ से बेतवा। ठीक है, केन रिवर कहाँ पे है, चंबल सिंध बेतवा केन रिवर कहाँ से निकलती है, बर्नेज रेंज से। ठीक है, सन रिवर कहाँ से निकलती है, सोन रिवर अमरकंटक से, अमरकंटक चोटी कहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, दामोदर कहाँ से, छोटा नागपुर का पठार ये वाला। ठीक है, और रामगंगा कहाँ से निकलती है, गोवाल। ठीक है, कहाँ पे है, गोवाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, उत्तराखंड। और घाघरा कहाँ से, तिब्बत से। और गंडक कहाँ से, नेपाल से। इधर से निकलती है दोनों रिवर, देखो घाघरा और गंडक और कोसी भी यहीं से आती है, तो मुझे आप बताओ कि कोसी कहाँ से आती है और महानदी कहाँ से आती है। तो ये बात हो गई किसकी, ओरिजिन की। ठीक है, ये ओरिजिन दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं, ओरिजिन, आपको ये ओरिजिन ध्यान में रखने होंगे, कभी कभी ओरिजिन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ओरिजिन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। चंबल सिंध बेतवा एक ही जगह से निकलती है, ये चारों रिवर एक ही जगह से निकलती है। ठीक है, किस जगह से आप मुझे कमेंट करेंगे ये भी, और मुझे बताएंगे कि ये तीनों रिवर एक ही जगह से कहां से निकलती है। ठीक है, अभी अगर आया तो मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ा इस चीज की तो मैं लिखा दूंगा, नहीं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, राइट साइड की। आप लेफ्ट लिखिए, गंगा रिवर की लेफ्ट रिवर की सहायक नदियां कौन कौन सी है लिख लीजिए, पहले यमुना रिवर, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, टोंस एंड सोंस रिवर। ठीक है, ये सहायक नदियां किसकी है, गंगा की लेफ्ट सहायक नदियां हैं, कौन सी, लेफ्ट सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इनमें लिख लीजिए रामगंगा, पहला पॉइंट लिखिए रामगंगा, यह ग्लेशियर से ना निकलते हुए उत्तराखंड के किस गोवाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और एकदम प्लेन में बहती है, ये प्लेन से होकर निकलती है। ठीक है, गोमती रिवर, गोमती रिवर के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, गोमती का ओरिजिन घाघरा गंडक, इन दोनों को साथ में लिखो, घाघरा गंडक कहां से निकलती है, नेपाल से, और फिर आगे कहां मिल जाती है, गंगा से। एक पॉइंट गोमती में लिख लीजिए, गोमती, गोमती एक रिवर ऐसी है जहाँ पे ये रिवर के आजू बाजू में ही जौनपुर है। ठीक है, गोमती रिवर जौनपुर के बाजू में ही है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। आगे घाघरा यह कहां से निकलती है, नेपाल से, गंडक भी कहां से निकलती है, नेपाल से, और यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, पटना में, पटना के जस्ट बाजू में गंडक किससे मिल जाती है, गंगा रिवर से मिल जाती है। गंगा पटना के जस्ट बाजू वाले, पटना के निकट, ना कि पटना में, पटना के निकट आके गंडक गंगा से मिल जाती है। ठीक है, कोसी रिवर भी आके मिल जाती है, हुगली रिवर यहाँ से अलग हो जाती है, और महानदी भी आके किससे मिल जाती है, गंगा रिवर से मिल जाती है। तो अब ये बात किसकी हो गई, गंगा रिवर के लेफ्ट, नाम उनके याद रखिए। कौन से पॉइंट्स बच गए, टोंस एंड सोंस रिवर कहाँ पे मिलती है, मैंने आपको बताया टोंस एंड सोंस रिवर यहाँ से कहाँ पे जाके मिलती है, इलाहाबाद में ये दोनों रिवर भी आके मिल जाते हैं। ठीक है, टोंस एंड सोंस, ये रिवर के नाम आप भूल जाओगे, इसको ध्यान से आप याद रखिए। ठीक है, टोंस एंड सोंस। कभी कभी ऐसा भी पूछ जाता है कि बताइए प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी, तो प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी है, ये प्रायद्वीपीय नदियां है ना, प्रायद्वीपीय मतलब प्रायद्वीप से होके जा रही है ना, तो प्रायद्वीपीय नदियां होंगी, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां यमुना रिवर और गंगा रिवर की कौन कौन सी है सहायक नदियां, इसमें अलग अलग करने के लिए भी आ सकता है, या जोड़िया मिलाव करने के लिए भी आ सकता है कि बताइए कि यमुना की सहायक नदियां इनमें से कौन सी है, चार ऑप्शन दे देगा, सोन रिवर, टोंस रिवर, घाघरा, केन, इनमें से बताइए कि किसके, यमुना की, गंगा की सहायक नदियां कौन सी है, तो क्या लिखोगे, सोन एंड टोंस, ये सहायक नदियां किसकी है, गंगा की। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ और जौनपुर गोमती रिवर के बाजू में, मैंने बताया ना लखनऊ और जौनपुर, जौनपुर और लखनऊ के निकट ही गोमती रिवर फ्लो करती है, ये भी पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतने पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि इसी में से पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछ लिया कि लखनऊ और जौनपुर किस रिवर के नजदीक है, या गोमती रिवर किन स्टेटों में से, मतलब इनका नाम दे देगा, जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इनके निकट से होकर गुजरती है, तो किसके निकट से होकर गुजरती है, जौनपुर और लखनऊ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो कोशी को श्योक नदी बोलते हैं। ठीक है, कोशी रिवर बिहार में मिलती है किससे, गंगा रिवर से, कोशी को बिहार का श्योक रिवर बोलते हैं, श्योक रिवर मतलब श्योक मनाना होता है ना, जैसे कोई
गुजर गया तो शोक मनाते हैं, उसी तरह से उसको शोक रिवर इसलिए बोलते हैं, रीजन लिख लीजिए, शोक रिवर इसलिए बोलते हैं। शोक पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में शोक रिवर किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, कोसी रिवर को। क्यों बिहार का शोक रिवर बोला जाता है, क्योंकि रास्ता बहुत जल्दी चेंज करती है, हद से ज्यादा रास्ते चेंज करती है। मतलब अगर अभी एक अगर एक रिवर ऐसे फ्लो करे, ठीक है, सपोज वो सीधा सीधा जा रही है, आपने यहाँ पे घर बसा दिया, गांव बसा लिया, सब बसा लिया, बट अचानक ये रास्ता चेंज करके इस डायरेक्शन से बहने लगी, और जब जब इस डायरेक्शन से बहने लगे तो गांव के गांव डूब जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये अपना रास्ता चेंज करने में माहिर है, फटाफट रास्ता चेंज करती है। रास्ता क्यों चेंज करती है, क्योंकि ये आती नेपाल से है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे चट्टानों को काट के, क्योंकि वहां ढलान तीव्र है, तो ढलानों को गति से तीव्र गति से काटती है, और काटते हुए नीचे की तरफ आती है, और अपने साथ चट्टानों के कण को बहा के लाती है, तो जो मलबे वो बहा के लाती है वो उसके रास्ते का खुदी अवरोधक बन जाते हैं, रोक देते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से निकलती है, चट्टानों के कण को बहा के लाती है, आगे बिहार की तरफ उसकी जो ढलान है वो समतल हो जाती है, और वो अपने ही लाए गए अवसादों को बीच में ही लगा देती है, जिससे वो खुद ही आगे नहीं जा पाती है, और मजबूरन उसको क्या करना पड़ता है, रास्ते को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो मजबूरन उसको बाजू से जहां से रास्ता मिलेगा वहीं से जाएगी, तो इस तरफ जा सकती है, इस तरफ से कोई डिफाइन नहीं है, तो कहीं से भी जाएगी, नुकसान तो बिहार में होगा, क्योंकि गंगा से बिहार में मिल रही हो, तो बिहार का श्योक रिवर। यहाँ पे हर साल कभी ना कभी आप देखोगे कि फ्लड आता ही है, बाढ़ आती है, और किस कौन सी रिवर से आती है, कोसी रिवर से, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस रिवर में बनता है, यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा का मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक रिवर बहुत सारी छोटी छोटी रिवर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूछा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको ऐसे बताना है, वहां पे किस टाइप्स के वन पाए जाते हैं, किस टाइप्स के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव, कैसोलिन और सुंदरी टाइप्स के वन वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। और पूछा जाता है कि बताइए कि मैंग्रोव, कैसोलिन, सुंदरी किस जल में उगने योग्य है, तो कहाँ पे उगती है, उगती है ये खारे पानी के जल में उगती है, कहाँ पे उगती है, जहाँ पे जल खारा होता है, जैसे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जल क्या है, बहुत ज्यादा खारा है, इसके वजह से ये वृक्ष वहां पे आराम से ऊपर उग जाते हैं, क्योंकि खारे पानी में उगता है, ठीक है। जब हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब कभी वृक्ष पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, क्योंकि जब हाई टाइड्स आता है तो पानी का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता है, जब लो टाइड्स आता है तो पानी का लेवल नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर और नीचे की लेवल आती है, इससे मैंग्रोव झील पूरी तरह से डूब और दिखने लगता है, ठीक है। हाई टाइड्स आता है पूरा वृक्ष डूब जाता है, जब लो टाइड्स आता है तो वृक्ष की नीचे की तरफ उसकी जड़ें दिखाई देने लगती है, और उसकी जड़ें बहुत कटीली होती है, ठीक है। कटीली मतलब ऐसे पानी से बाहर निकली रहती है, ठीक है, बाहर निकली रहती है, तो वो बहुत ज्यादा कटीली भी होती है, ठीक है। महानदी, यहाँ से महानदी भी किसकी सहायक नदी है, यहाँ पे देखो आप गंगा से आगे मिल रही है ना, तो एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि महानदी क्या सिक्किम के दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग से निकलते हुए आके गंगा में मिल जाती है, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दार्जिलिंग से निकलती है, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग से, छोटा नागपुर के पठार से कौन सी रिवर निकलती है, महानदी रिवर निकलती है, इसके बारे में बात करेंगे प्रायद्वीपी के बारे में, ठीक है। वापस रिवर अगर पढ़ेंगे प्रायद्वीपी के बारे में तो हम वापस इसको बताएंगे पूरी तरह से, बट अभी हम गंगा के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। पूरी तरह से मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, नोट्स बनवा दिए हैं, इसी नोट्स को आप बार बार दोहराते जाइए, लिखते रहिए, मुझे विश्वास है आप लिख रहे हो, आप लिखते जाइए जो भी आपको, और हर एक लेक्चर के बाद आप एक पेज छोड़ दीजिए, हर एक लेक्चर के बाद आप एक पेज अपने नोट्स के लिए बनाने के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि सपोज अगर मुझे कुछ बातें याद आती है, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, या फिर मैंने नहीं बताया होगा, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में, या कभी मुझे टाइम मिले तो मैं उसको सेपरेटली लेक्चर लेके सारी चीजें आपको बता सकता हूँ, ठीक है। या फिर कुछ न्यू क्वेश्चंस बनते हैं अभी, ज्यादा लेटेस्ट में बन रहे हैं, तो मैं वो भी सारी चीजें आपको करते रहूंगा, ठीक है। तो हर एक लेक्चर में एक पेज छोड़ दीजिए, और आपको भी कुछ चीजें लगती है कि जो सर ने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, तो आपको क्या करनी है, वो कमेंट करनी है, वो चीजों को आपको कमेंट करनी है, और मुझे बताना है कि सर ये चीजें आपने नहीं बताई है, या ये चीजें छूट चुकी है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा, और आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि सर या आपको समझ नहीं आया, तो समझ नहीं आया तो आप भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना कि गंगा रिवर यूपी में सबसे ज्यादा बहती है, मतलब उसकी जो लंबाई है सबसे ज्यादा है, झारखंड में उसकी लंबाई सबसे कम है, बच्चे भूल जाते हैं,
बड़ा वाला तो याद करते हैं कि सबसे लंबाई ज्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, ये भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम देखिए बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर इतना ही हमारे भारत में, तो इसकी सहायक नदियां, इसकी ओरिजिन, ये सारी चीजें देखिए हम इसको एक डेल्टा ग्रुप में बना देंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा बनाते हैं, और फिर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा सिर्फ हिमालय का, ठीक है। हिमालय पार्ट के रिवर्स खत्म हो जाएंगे, सिंधु हो चुका, गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र, ये तीनों हो जाएंगे। तो फिर हम चलेंगे प्रायद्वीपी नदियों में, प्रायद्वीपी नदियां बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा छोटी छोटी रिवर्स है, उनके सहायक नदियों के नाम भी आपको याद करने होंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे और बहुत ज्यादा है, ठीक है। हो जाएगा धीरे धीरे, आप बस नोट्स बनाते जाइए और उसको रिविजन टाइम टू टाइम करते जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नमस्कार।